नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे सर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। अधिकतर हमें देखने को मिल रहा है कि अनिल अंबानी की काफ़ी कंपनी या तो दिवालिया हो गई या फिर उनके अंदर कर्ज की वजह से संकट घेराया हुआ है। रिलायंस इंफ्रा का एक जो शेयर 7 अगस्त 2023 को 210 रुपये तक छू गया और वहाँ पर काफ़ी लोगों को लगा कि बहुत अच्छा इसके अंदर होता गया। इन बातों को समझने से पहले आप ये समझिए कि किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा हो रहा है और बैंकों का ज़्यादा कर्जा है तो बैंक उनकी कुछ चीज़ों को सेल्स भी कर सकती है, बेच भी सकती है कुछ नियमों के तहत। या फिर कोई कंपनी कर्जे के अंदर डूब रही है फिर उसको अपने में उभार करना है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी परियोजनाओं को बेचने के लिए भी शुरू हो जाती है। और यही देखने को मिला कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इसकी और कंपनियां भी हैं अंबानी यानी कि अनिल अंबानी जी की, वो भी कहीं बिक्री की चीज़ों के साथ है। तो यहां पर आपको देखने को मिला है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनकी सड़क परियोजना काफ़ी थी इनके पास, पर इस सड़क परियोजना की भी कुछ पोर्टफोलियो ये सेल करने जा रहे हैं और इस महीने के अंत तक करीब सारा पोर्टफोलियो सड़क परियोजना का होता है वो सारा का सारा इनका सेल होने वाला है और करीब 3 बोलीदाता 6,000 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्रा सड़क परियोजना का अधिग्रहण करने वाले हैं। अगर ये अधिग्रहण बिल्कुल सही रहा तो मार्च में जो इनका कर्ज था, ऋण था बैंकों का 14,500 करोड़ रुपए था, वो 40% कम होकर 8,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। और जिस तरीके से बैंकरों ने कहा है कि मैक्वरी ग्रुप हो गया, क्यूब हाईवे और कोटक अल्ट्रानेट एसेट भी हैं जो इनके अधिग्रहण करने की चीज़ों में लाइन में आ गए हैं, अगर ये सब कुछ सही रहा तो फिर इनका ये कर्जा उतरेगा। लेकिन आप ये समझो कि अपनी पोर्टफोलियो को बेचकर अपना कर्जा उतार रहे हैं। उधर दिशा आपके सामने है, आपको जानना है कि कोई एक व्यक्ति अपने में भारे लाकर कुछ चीज़ों को अच्छा करके आगे बढ़ रहा है और कुछ ऐसा व्यक्ति कोई अपनी संपत्तियों को कम करते हुए अपने कर्ज को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको खुद सोचना है कि हमें दिशा निर्देश क्या मिल रहे हैं। इस महीने के अंत तक रिलायंस इंफ्रा अपने सारे रोड जो पोर्टफोलियो है ना उसकी बिक्री की उम्मीद है, यानी कि सारी परियोजना इस तरीके की वो सेल कर देगा। जनवरी 2021 में भी आर इंफ्रा ने अपने दिल्ली आगरा टोल रोड को, क्यूब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को 3600 करोड़ रुपये में बेचने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रिलायंस इंफ्रा में मिल रही है कि ये लोग इस न्यूज को समझें कि भाई पैसा आ रहा है तो सर इनकी अपनी संपत्तियाँ बेचकर ही ये पैसा आ रहा है और वो पैसा इसके कर्ज को उतारने में लगेगा जो 14,500 करोड़ रुपए है, और तब भी इनके पास 8,500 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज रह जाएगा। दिशा निर्देश शेयर मार्केट के देखने के हमें बदलने होंगे और ये न्यूज़ को आपको पॉजिटिव नहीं लेना है। पॉजिटिव ये अगर न्यूज़ आपको मार्केट में दिखाए तो कोई ताल्लुक नहीं इस न्यूज़ का कि ये पॉजिटिव हो। सारी रणनीति मैंने आपको समझाती है और इस तरीके से अगर हम शेयर मार्केट में गुमराह होते गए, हमें सोचने समझने की शक्ति जो है अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले आर कैपिटल का क्या हाल हुआ है, आर कॉम का क्या हाल हुआ है और अन्य कंपनियों का भी इनका क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इनकी सड़क की परियोजना के लिए 3 बोलीदाता आ गए हैं जो 6,000 करोड़ रुपए में इनकी सड़क की परियोजना लेने में सबसे आगे है, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो सब कुछ सही रहा इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है, ये मेरे हिसाब से ये निगेटिव। आपको क्या लगता है सर, कमेंट कीजिए, सुझाव जो होते हैं उसको भी हम शेयर किया करेंगे।